बहुत ही खास मेहमान हमारे पास आने वाले हैं। बिल्कुल ही अतरंगी स्टाइल है उनका, अजीब सा माहौल है उनका, क्या बताएं दोस्त, उनके रुतबे, उनके जलबे आप शायद जानते होंगे उनको, पर जानते भी होंगे शायद, और हो सकता है कि देखा भी हो। तो बहुत ही टैलेंटेड हमारे एक सुपरस्टार जर्नलिस्ट साहब, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत सुना है मैंने आपके बारे में, लेकिन तुम्हारा पान किधर रह गया भाई? भूल गया लगता है। बहुत पान खाते हैं आप शायद। जी पगले, खाता हूँ ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। तो आपको कब लगा कि अब मैं थोड़ा फेमस होने लगा हूँ, सफलता मुझे मिलने लगी है, लोग मेरे फैन हो गए, दीवाने हो गए, ऐसा आपको कब लगा? जी देखिए, दीवाने तो हमारे बचपन से ही थे, लेकिन जब से हम यूट्यूब पे आए हैं और कुछ अपनी ये कलाकारी दिखाए हैं तो काफ़ी लोग जो हैं बड़ा पसंद कर रहे हैं। तो अब उन्हीं लोगों के लिए करता हूँ, खुद के लिए थोड़ी करता हूँ। जब देखो तब इतना मेहनत क्यों करता हूँ, इसलिए करता हूँ ना कि भाई हमारे जो ऑडियंस हैं वो थोड़ा इंटरटेन हो। ठीक है, अच्छा ठीक है। वैसे आपको आशा लगा कि हैंडसम लगते हैं। ये बोल के तो आपने मेरी जान निकाल ली पगले, अब हम फैन हो गए आपके, आपने मेरी तारीफ की उसके लिए। हमारे फैन मत हो, ऑलरेडी आपके बहुत सारे। आपने हमारी तारीफ की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भूलेंगे नहीं ये तारीफ आपकी। अरे ऑन रिकॉर्ड आप कैमरे पे बोल दिए हमको बहुत हैंडसम देखते हैं, आज रात में सोएंगे नहीं, हम पक्का बता रहे हैं। अच्छा तो हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, इतने हैंडसम है तो आपके ऊपर तो लड़कियां दीवानी होगी, मरती होंगी आप पे, जान छिड़कती होगी। जी ये बात आपने सही कहा, लेकिन देखिए हम बात है, हम भाव किसी को देते नहीं हैं। अच्छा भाव। और हमने डिसाइड किया है कि एक लड़की को भाव देंगे, एक लड़की को पटाएंगे, एक लड़की से शादी करेंगे। अच्छा तो हमको इंटरेस्ट नहीं है 50 लोगों में। माय गॉड, इंटरेस्ट नहीं है आपको मतलब? अरे इंटरेस्ट है भैया, इंटरेस्ट है। 50 जगह मुंह मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। 50 जगह आप तो एक दो जगह आपने मुंह मारा है? नहीं भैया नहीं मारा है, बड़े हम साफ सुथरे रहे हैं। अच्छा आप बोले तो वर्जिन है पगले। अच्छा अब किसी को यकीन होता नहीं है। माशाल्लाह आप इतने हैंडसम हैं और अरे बस करने तो मैं मारूंगा। जर्नलिस्ट यहाँ तक तो सही है, बहुत उंगली कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ मत कीजिए उंगली, देखिए भाई मुझे थोड़ा सा हटपटा सा लगता है। चलिए हम अगला सवाल पूछते हैं। आपने सुना है बहुत सारे लोगों को चूना लगाया है, वो कैसे लगाया था ये बताइए आपको? देखिए हम चूना नहीं लगाते किसी को। अच्छा हाँ, हम बनारस हैं, बनारस के हैं भैया, सही बता रहे हैं, बनारस के हैं। ठीक है, बनारस भोले बाबा की नगरी पगले। की नगरी है। हाँ साक्षात भोले बाबा निवास करते हैं वहाँ पे। हाँ तो हमारे यहाँ पान बहुत फेमस है। ठीक है, तो चूना लगाने का मतलब वो चूना नहीं होता, चूना होता कि ठगना। हमने लाइफ में कभी किसी को ठगा होगा नहीं है। अच्छा सच्ची बता रहे हैं। अच्छा हम किसी को नहीं ठगे हैं, बल्कि सबका मदद ही किए हैं। अब चूना वाला ये है कि हम बनारस के हैं, अब कभी कभी जाते हैं तो चूना वूना लगा देते हैं पान में, तो पगला वही लोग बोल देते हैं। चूना जी पागल, पता तक नहीं चलता। पान में चूना। अच्छा पान में चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ये अश्लील टाइप का क्वेश्चन हो गया था। हम आप देखिए ऐसे मत देखिए, अंदर की जो भंगिमाएं हैं उनमें कुछ रोंगटे भी होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप कितने भाई और बहन हैं? कहना क्या चाहते हैं मतलब आपसे पूछ रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स में आपके भाई? अरे नहीं, इससे पहले जो पूछा है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मतलब? रोंगटे मतलब ये जो रोंगटे होते हैं ना, ये मतलब कुछ भी अगर देखो लाइन वाइन मत मारो समझे, हम उस टाइप टाइप के हैं नहीं, पागल कहीं का टाइप के। पत्रकार हो कि आलू पगला कहीं का? हम पत्रकार ही हैं, हमारा गलत मतलब मत निकाल। देखिए पत्रकार ऐसे होते हैं मतलब एकदम न बोलने का ढंग है न किसी चीज़ का, पत्रकार बन के बैठे हैं। हाँ तो माफ़ी चाहता हूँ, हम अगले सवालात की ओर बढ़ते हैं। आपके कितने भाई और बहन हैं? जी देखिए संपूर्ण धरती पर जितने लोग हैं हमारे भाई हैं और बहन हैं। अच्छा यानी कि सब आपके
नहीं नहीं गलत नहीं करना चाहिए। हाँ तो तुम भी मेरे भाई हो पगले। हाँ हाँ मैं आपके भाई हैं, आपने भाई बोलकर हमको बहुत ही जी। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम का नाम सुने? नहीं हमने तो नहीं सुना, आप अगर हमको सुनाएं। पूरी धरती हमारी परिवार है, पूरी धरती हम एक फार्मूले पर चलते हैं और हमको इस पर गर्व है। अच्छा आपको गर्व है जी, मतलब ठीक है, होना भी चाहिए गर्व वर्व। चलिए हम अगले सवाल आपकी ओर बढ़ते हैं। हम जल्दी जल्दी थोड़ा निपटाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी करते हैं। हमारे ये भाई साहब हैं, इनको चाय पीने जाना है, इनको दो नंबर प्लस एक नंबर। रुको भैया रुको एक मिनट, नहीं देख लो सेलिब्रिटी बन गए हैं तब आके इंटरव्यू ले रहे हैं लोग। ऐसा रहता है कोई लेता है इंटरव्यू क्या? कुछ है तभी ना ले रहे हैं, ऐसे थोड़ी हम कोई किसी कोई इंटरव्यू ले लेता है किसी का। हाँ सही कर रहे हैं। नहीं अगर आप चाहें तो हम जाने अनजाने में TRP का बड़ा बहुत बढ़िया स्रोत है। हम पागल कहेंगे आप, बहुत ही बढ़िया स्रोत है।